दूसरा मैच की शुरुआत हो चुकी है और कुछ ही क्षणों पहले हमारे साथ उद्घाटनकर्ता के रूप में युवा नेता का समाज सेवी श्री मंटू गागराई हमसे जुड़ चुके हैं और वे मैदान में प्रवेश करते हुए फिलहाल खिलाड़ियों से परिचय लेने हेतु और उनके साथ साथ श्री सन्नी खंडाई, बीजू ब्रदर, मंगल सिंह कांडिया, थॉमस बॉय भाई, अनिल कांडिया और ग्रुप ए से इस टूर्नामेंट का पहला मैच खेलने के लिए दोनों ही टीम मैदान के बीचों बीच फिलहाल मासूम परिंदा वर्सेस करना क्लब कोकोवेरा और यहां पर उद्घाटनकर्ता के रूप में हमारे युवा नेता श्री मंटू गागराई जी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए और उनके साथ साथ सन्नी खंडाई, अनिल कांडिया, घनश्याम पुरसी, बीजू ब्रदर, मंगल सिंह कांडिया, थॉमस बॉयपाई फिलहाल मैदान के बीचों बीच खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए और इस ग्रुप ए से खेलने के लिए दोनों ही टीम फिलहाल मैदान के बीचों बीच तैयार मासूम परिंदा वर्सेस सरना क्लब कोकोवेरा उद्घाटनकर्ता श्री मंटू गागराई के द्वारा फुटबॉल पर किक लगाकर इस टूर्नामेंट का आगाज करते हुए थोड़ा सा पीछे हो जाइए और ग्रुप ए से अवस्था में रखेंगे जैसे ये मैच समाप्त होने से पहले ही अपनी अपनी टीम को मंच के शरीर लाइनअप करा देगा और यहाँ पे खतरा हो जाता था लेकिन खिलाड़ियों को और यहाँ पे लेफ्ट फुटे से बहुत ही बढ़िया शॉट और ये पहला गोल मासूम परिंदा की ओर से यहाँ पे लेफ्ट फुट से ली गई बहुत ही बेहतरीन शॉट जितनी तारीफ की जाए उतनी कम रहेगी और ये मैच की शुरुआती क्षणों में ही अपनी टीम को बढ़त दिला दी है मासूम परिंदा आप अपना हाथ उठा दें हम बहुत ही सुंदर तरीके से की गई है गोल लेकिन कोकोवेरा की टीम के खिलाड़ियों के पास भी वैसी काबिलियत है जो कि इस मैच में बराबरी कर सकते हैं और वक्त भी काफी है उनके पास और यहां पे फिलहाल गेंद मैदान के बीचों बीच सेंटर सर्कल के आसपास और यहां पे अपने साथी खिलाड़ी को दिया और यहाँ पे मूवमेंट बनाने की कोशिश की गई थी हालांकि लेकिन काफी हद तक सफल भी हो चुके थे लेकिन और यहाँ पे क्रॉस करने की कोशिश थोड़ी थोड़ी गलतियों को सुधारना होगा कोकोवेरा की टीम के खिलाड़ियों को क्योंकि यही छोटी छोटी गलतियों से ही उनकी टीम को खतरा हो सकता है फिलहाल एक शून्य से पिछड़ती हुई यहाँ पर कोकोवेरा की टीम और वही मासूम परिंदा की टीम एक शून्य की बढ़त बनाते हुए और ये फर्स्ट हाफ का मैच चलता हुआ दोनों ही टीम के बीच
और जितने सारे गेम है उन लोग ग्रुप है, जितने सारे टीमों का यहाँ से अनुरोध है कि आप अपनी उपस्थिति दर्ज करा लेंगे। होस्टल बॉयज वर्सेस लाइट बॉयज और कैरोली और चौथा मैच खेलने के लिए तैयार रहेंगे एमजेएफ ए मदन जाहिर वर्सेस कांडियांग एफसी लौड़िया और पांचवा मैच खेलने के लिए तैयार रहेंगे रेड ब्लू एफसी वर्सेस चाटी स्टार कोंकुआ। कैमरामैन कार्तिक मिंज बहुत दूर से इस टूर्नामेंट में उपस्थित हो चुके हैं जो कि ओडिशा झीरपानी जोड़ा से आए हुए हैं और इस टूर्नामेंट के हर एक मोमेंट को कैद करते हुए यहां पर फिलहाल और यहां पे इस मैच में बराबरी करने का मौका था यहां पे सामना गला पोखरा वाला की टीम को लेकिन कोशिश करने के बावजूद वो नहीं कर पाए। उनके पास अभी भी फिलहाल वक्त काफी है वो इस मैच में बने रहने के लिए बराबरी करने के लिए उनके पास काफी वक्त है और यहां पर फाउल का इशारा और फ्री किक लेंगे मासूम परिंदा टीम के खिलाड़ी। प्रदर्शन करते हुए और उड़सू में और होगा ना 1,00,000 अक्टूबर कोशिश करते हुए कि अपनी टीम को बराबरी पर लाई जाए। लंबी किक लगभग सेंटर सर्कल के आसपास और यहां पे खतरा हो सकता है पोकाबला की टीम को लेकिन हेडर के जरिए टारगेट पर डालना चाहते थे मासूम परिंदा के खिलाड़ी लेकिन वहां पे बीट होते हुए थोड़ी सी ऊंची चली गई थी गेंद जिसके कारण हेडर के जरिए गेंद को टारगेट पर नहीं डाल पाए और फिलहाल गेंद मासूम परिंदा के पास खुटी नहीं हम नहीं गए लगी क्या हुआ रिजल्ट गया फर्स्ट में हारा ऑफसाइड का था ना वहाँ फलोचित पुराई और आदिवासी छात्र संस्थान की नगर आपका पहला मैच चाहता हुआ इस समय सेकेंड हाफ में ये मैच खेला जा रहा है। इस वक्त काफी मजबूत स्थिति में जो टीम आजाद परिंदा की टीम एक गोल से आगे चल रही है और 1-0 से पिछड़ रही है सामना कलर को कौन बढ़ा देखना पड़ेगा उनकी जो विश्वास है इस मैच के दरमियान किस प्रकार से वो आपत्ति कर पाते हैं देखना पड़ेगा मैच के दरमियान कहां नहीं जाएगा कौन सा टीम कुछ सेकंड कुछ मिनटों पर इस मैच की करीब रुख को बना सकता है कि नहीं देखना पड़ेगा। हेलो अच्छी क्रॉस था और काफी सुंदर तरीके से बावजूद इस फुटबॉल टूर्नामेंट
19 यानी रक्षा कुछ कारण रक्षाबंधन फुटबॉल टूर्नामेंट होने वाली थी, लेकिन कुछ कारण रक्षाबंधन नहीं होने के बावजूद आज पहला 19 अगस्त को कर दिया गया और फाइनल कल के दिन होंगे। और आज के ग्रुप में भी अच्छी अच्छी टीम पार्टिसिपेट किए हैं और कल के ग्रुप में भी अच्छे अच्छे टीम देखने को मिलेगा। और अगर बेहतरीन फ्री किक भाई टारगेट पर रखना चाहे, थोड़ी सी यहाँ पर निशाना खराब, अच्छी कोशिश जरूर था आजाद परिंदा के युवा खिलाड़ी और काफी सूझबूझ के साथ सारना क्लब कोकोपड़े के भी खिलाड़ी अपने टीम के लिए अच्छी पहुंच चुके हैं। और आज का पहला मैच काफी सुंदर तरीके से संचालन करता हुआ और एक बार फॉल मिलेगा मां के आसपास से, बिल्कुल बिल्कुल मौका बन सकती है। और एक बार अच्छी क्रॉस को डाले हैं रवि मुर्मू द्वारा, अच्छी बचाओ प्लेटी एरिया के आसपास, हेडर से हेडर कहीं ना कहीं यहाँ पर मौके की तलाश, बचा हुआ समय पर। और बिल्कुल दूसरा मैच खेलने के लिए आएंगे न्यू जूनियर बॉयज कोलान भाई वर्सेस श्याम ब्रदर। आप दोनों ही टीम के मैनेजर से मेरी अनुरोध है कि आप अपनी अपनी टीमों को तैयारी अवस्था में लाकर मंच के करीब लाइनअप करा देंगे। दूसरा मैच खेलने के लिए न्यू जूनियर बॉयज कोलान भाई वर्सेस श्याम ब्रदर। और यहाँ पे फिलहाल सेकेंड हाफ का मैच चलता हुआ मासूम परिंदा वर्सेस सरना क्लब कोकाबड़ा की टीमों के बीच, और 1-0 दी जाए तो सभी टीमों के लिए बिल्कुल खेलने के अनुकूल चारों ओर घास से भरा ये ग्राउंड, बहुत ही सुंदर दृश्य इस मैदान का और हर मोमेंट को कैद करते हुए हमारे कार्तिक मींज जो कि ओडिशा क्षेत्र के जोल्डा से आकर इस टूर्नामेंट के हर एक मोमेंट को अपने कैमरे के माध्यम से कैद करते हुए, अगर कार्तिक मींज के वीडियो अगर आपको देखनी है तो उनका चैनल कार्तिक मींज को आप के जितने सारे वीडियोस हैं आप देख सकते हैं, कार्तिक मींज यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर मौका था लेकिन यहाँ पर गोल में तब्दील नहीं कर पाए, काफी एक्सपीरियंस प्लेयर माने जाते रहे हैं लेकिन फिलहाल चूक हुई उनसे। और यहाँ पे मौका मिलता हुआ यहाँ पे सरना और सॉरी मासूम परिंदा टीम के प्लेयर को यहाँ पे फिलहाल कमेटी के मेंबर आप पड़ता हुआ मैदान पर, लेकिन खिलाड़ियों के जोश और उमंग के आगे ये धूप फिलहाल फीकी नजर आती हुई। ये हालिया टूर्नामेंट जो मनीष ब्रदर्स केपासाई की ओर से आयोजित की गई थी 15 अगस्त को, उस टूर्नामेंट की ये उप विजेता टीम फिलहाल मैदान से उत्तरी छोर पर जो कि 1-0 की बढ़त बनाकर इस मैच में विजेता बनी।